का समापन धूमधाम के साथ किया गया। आगरा में श्री राम सेटेरियन स्कूल दयालबाग में चल रही बैडमिंटन प्रतियोगिता को रविवार को समाप्त हो गई। स्वर्गीय श्यामलाल गुप्ता और स्वर्गीय रामश्री देवी की स्मृति में प्रतियोगिता में शहर भर के खिलाड़ी शामिल हुए। प्रतियोगिता समापन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद एडीएबीसी चर्चित गौड़ ने विजयी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और इस दौरान उन्होंने खिलाड़ी प्रायोजक और को शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान प्रतियोगिता समापन समारोह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में एडीओ उपाध्यक्ष का स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर सुबोध गुप्ता ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। साथ ही सुबोध गुप्ता ने प्रतियोगिता की जानकारी दी। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। आज जो खेल का समापन हुआ है बैडमिंटन का, बहुत ही अच्छा हुआ है। इसी प्रकार बच्चे अपने खेल में अग्रसरित रहो, अपने जीवन में इस खेल को आगे लगाएंगे, जिससे कि नेशन में और उत्तर प्रदेश के जाके आगे बढ़ेंगे और आगे वर्ल्ड में भी आगे बढ़े। इसके लिए मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और सभी प्रकार से जो कोई भी आवश्यकता हो मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको उन्हें दूंगा। थैंक यू। ऑल द विनर्स हु आर हियर, दे हैव गॉट एक्लेड्स, अप्रिसिएशन, सम वन सम लॉस्ट, बट यस देयर इज एन अप्रिसिएशन फॉर टेकिंग पार्ट इन इट। And I hope next time we have more winners. जो पिछले तीन दिन से यहाँ पे इस प्रांगण में जो टूर्नामेंट चल रहा था उसमें आज उसका समापन किया गया, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स हर कैटेगरी में अंडर 9 से लेकर अंडर 18 तक की कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स थे मेल और फीमेल कैटेगरी में, उनको आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हर जगह से हर बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रतिभा का प्रदर्शन सभी बच्चों के द्वारा किया गया है। इस तरह के टूर्नामेंट्स बाकी सोसाइटीज़ द्वारा यहाँ पे आगरा में कराए जा रहे हैं, जिससे बच्चों के अंदर एक खेल के प्रति एक रुचि डेवलप हो, हैबिट डेवलप हो और बच्चों में एक पॉजिटिविटी आए, तो उसी का आज कार्यक्रम यहाँ हुआ था जिसमें हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया। आगरा में